अगर आप एक नया एनर्जी मीटर लगवाने जा रहे हैं या फिर अगर आपके घर पर पहले ही एक एनर्जी मीटर लगा हुआ है और आपको अपने घर का लोड नहीं पता और आपने कोई भी लोड वहां पर जाकर दे दिया, तो मैं आपको बता दूं आपको बहुत बड़ी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। क्योंकि अभी तो जो मीटर्स लगे हुए हैं, जो पुरानी मीटर्स हैं, उनमें तो वो मैक्सिमम डिमांड या लोड वगैरह नहीं दिखाता, लेकिन अभी जो लेटेस्ट मीटर लगने वाले हैं, स्मार्ट मीटर सभी जगह लगने वाली ही हैं, या कई पुराने जो मीटर्स हैं वो लोड भी दिखाते हैं, तो जो मीटर्स लोड दिखाते हैं वो आपका जो सारा लोड वगैरह वो आपके बिल में भी जाता है, एंड उसी के अकॉर्डिंग अगर वो मैच नहीं करता तो आपको भारी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ताकि आपको कोई भी पेनल्टी वगैरह ना लग सके, आप एक सही तरीके से अपने लोड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पंजाब में जो PSPCL है वो कैसे लोड कैलकुलेट करता है, उसने कैसी इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आपको अपना लोड कैसे कैलकुलेट करना है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप किसी और स्टेट्स में से देख रहे हैं तो आप मुझे स्टेट बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं उस स्टेट के रिलेटेड बना दूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं काफ़ी सारी स्टेट्स का ऐसा ही सिमिलर फॉर्मेट होता है लोड कैलकुलेशन का, तो इसलिए आप इस वीडियो को भी पूरा ध्यान से सुनना, ताकि अगर आप अपनी स्टेट का अगर खुद भी देखने जाएं तो आपको पूरा वो समझ आ सके। एंड इस वीडियो में आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप ट्रिक्स को यूज़ कर जो आपका घर का लोड होगा वो थोड़ा ज़्यादा ही होगा, लेकिन PSPCL के लिए वो कम ही गिना जाएगा। तो सबसे पहले तो गाइज़, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियो डालते हैं। एंड वीडियो को भी अभी का भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी जरूर, लेकिन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, ये मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ। क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको जो भी बताने वाला हूँ वो आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेंगी। कोई आप यूट्यूब वीडियो देख लो, कोई भी देख लो, वहाँ पर आपको ट्रिक्स वो चीज़ें नहीं बताने वाले। यहाँ पर बेसिकली 4-5 कैटेगरीज हैं, उनमें जो हमारा पूरा लोड है वो डिवाइड किया गया है, लाइट पॉइंट, फैन पॉइंट, वॉल पॉइंट एंड सिंगल फेस पावर सॉकेट एंड एयर कंडीशनर। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, लाइट पॉइंट, फैन पॉइंट एंड बाकी के जो कैटेगरीज हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बाकी जो घर में लगा होता है, गीज़र हो गया, जो मर्जी हो गया, वो सब कुछ मतलब पावर सॉकेट में लगेगा। अगर गीज़र है, माइक्रोवेव हो गया, वो भी पावर सॉकेट में लगेगा। कुछ और है वो सिंपल सॉकेट में लग जाता है, जो हमारी 6 एम्पीयर वाली होती है। तो सबसे पहले तो हम लाइट पॉइंट के बारे में देखते हैं कि उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो लाइट पॉइंट है, या तो उसकी एक्चुअल वैल्यू लेंगे या फिर हम 40 वॉट का लेंगे। तो अगर आपके घर पर कोई 10 वाट का बल्ब लगा हुआ है, कोई LED बल्ब लगा हुआ है 10 वाट का, 9 वाट का, तो आप उसको वो भी ले सकते हैं। या फिर अगर आपको किसी LED बल्ब का वाट नहीं पता, या कोई बल्ब लगा हुआ उसका वाट नहीं पता, तो आप उसको 40 वाट मानकर चल सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको एक्चुअल पता है तो एक्चुअल लें, अगर नहीं पता तो ही उसको 40 काउंट करें। एंड 40 काउंट कर लिया, लेकिन इसमें एक बात बताई गई है कि हाफ टू बी काउंटेड, मतलब आपको सिर्फ आधे ही काउंट करने हैं। कि अगर आपके घर पर 4 बल्ब लगे हुए हैं, 4 LED बल्ब लगे हुए हैं, तो इसमें क्या होगा, आपको सिर्फ इनको 2 ही काउंट करना है। ये 2 का पेयर हो गया, ये 2 का पेयर है, तो एक आ गया ये, एक आ गया ये, तो इसमें सिर्फ हम 2 ही काउंट करेंगे। एंड अगर ये जो 2 बल्ब्स हैं 10-10 वाट के हैं, तो टोटल हमारा लाइट पॉइंट का लोड हो गया 20 वाट। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि जो भी हमारे बल्ब्स होते हैं, लाइट पॉइंट्स होते हैं, चाहे वो आपका स्विच हो गया, चाहे वो फिर आपका बल्ब हो गया। एंड मैं आपको बता दूं, अगर एक स्विच पर 2 बल्ब्स कनेक्टेड हैं, ऐसा भी कई बार होता है यूजली घरों में, तो वहाँ पर आपको दोनों का ही काउंट करना होगा अलग अलग। ऐसे नहीं ले सकते कि आपका सिर्फ एक ही लाइट पॉइंट है तो हम उसको एक ही काउंट करेंगे, नहीं, उसको हम 2 ही काउंट करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि अक्सर आपको आधे ही काउंट करने हैं। अगर आपके घर पर 10 बल्ब लगे हैं, 10 लाइट पॉइंट्स लगे हैं, तो उसको 5 ही लेंगे। एंड यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप कैसे लाइट पॉइंट थोड़े इंक्रीज़ कर कैसे थोड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, आपका लोड उतना ही रहेगा लेकिन आपके लाइट पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि जो भी लाइट पॉइंट्स होते हैं हमारे, लाइट पॉइंट्स, उसको हमेशा इवन रखो। इवन मतलब कैसे मैं बोल रहा हूँ, या तो उसको 2 रखो, 4 रखो, एंड या 6 या 8, मतलब इस तरीके से इवन में रखना है। इवन में रखने के मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ। अगर मान लो आपके 4 लाइट पॉइंट्स हैं, 4 बल्ब्स लगे हुए हैं, उसका लोड कितना होगा, अगर 4 लगे हुए हैं 10-10 वाट के, यहाँ पर फिर हमारा टोटल लोड बन जाएगा 20 वाट, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। यहाँ पर एक बन जाता है, यहाँ पर एक बन गया, 10-10 वाट के 2 लगे हैं तो 20 वाट बन गया। लेकिन अगर आप 5वां बल्ब जो ऐड कर देते हैं, 5वां LED बल्ब इसमें डाल देंगे, तो फिर ये जो है ना, इसको हम आधा नहीं काउंट करेंगे,
इसको हम पूरा ही काउंट करेंगे, तो ये इसमें एक ट्रिक होती है, इसको हम पूरा ही काउंट करेंगे। तो अभी आपका कितना लोड बन गया, अभी आपका बन गया 30 वाट, ठीक है, ये भी 10 वाट का ही है, सारे 10 वाट के हैं। लेकिन वही मैं अगर लाइट पॉइंट में एक और ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर बल्ब एक और ऐड कर दिया, तो अभी दो दो के पेयर होते हैं, उसमें हाफ काउंट करना होता है, तो अभी क्या हो गया, ये जो बल्ब है ये 10 वाट का ही रहेगा। अभी जैसे नीचे हमारे तीन बन गए ना, एक ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ठीक है, तो अभी भी जो लोड है वो 30 वाट ही है। तो चाहे फिर आप 5 यूज़ करो या फिर 6 यूज़ करो, लोड आपका सेम ही रहेगा। तो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, तो जो बल्ब्स वगैरह हैं उसको इवन में रखना हमेशा। हमारा लाइट पॉइंट क्लियर है तो हमने इसको सिर्फ हाफ ही काउंट करना है, अगर हमें रेटिंग पता है तो उसको पूरा लेंगे, अगर रेटिंग नहीं पता तो 40 वाट ही लेंगे। अभी बात करते हैं फैन पॉइंट की। अभी फैन में क्या करना है, यहाँ पर लिखा कि 1/3 टू बी काउंटेड, मतलब अगर आपके घर पर 3 पंखे लगे हैं तो हम उसको सिर्फ एक ही काउंट करेंगे। अगर आपके घर पर 60-60 वाट के 3 लगे हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फैन की, ठीक है, फैन पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो अगर आपके घर पर 3 फैन लगे हैं और वो भी 60-60 वाट के हम मानकर चलते हैं, तो फिर आप उन तीनों फैन को सिर्फ एक ही मानोगे, ठीक है। तो ये एक जो फार्मूला होता है, फार्मूला मानिए, जहाँ PESPCL की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं वो मानिए, तो उन तीनों को हम एक ही मानेंगे। तो अभी हमारा लोड कितना बन गया, 60 वाट का। अभी आप फैन में क्या करेंगे, फैन को आप हमेशा या तो रखो 3 या रखो 6 या 9, मतलब कि 3 का जो टेबल होता है ना उसमें रखो। अगर आप यूज़ करते हैं 5, 4, 2, 1, तो आप थोड़ा उसको मतलब अच्छे तरीके से जो लोड है वो आपका मतलब थोड़ा ज़्यादा ही फिर गिना जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ थोड़ा और अच्छे तरीके से कैसे मैं आप बता रहा हूँ। वैसे मैंने आपको लाइट पॉइंट में बताया, तो अभी मैं फ़ैन पॉइंट में बता रहा हूँ, फ़ैन पॉइंट में आपको 3 के टेबल में क्यों रखने हैं। तो अभी आप देखिए कि जो हमारे 3 फैंस हैं उसका क्या बन जाता है, 1 फ़ैन, 3 मैंने और लगा दिए उसका बन गया 1, तो अभी कितने हो गए हमारे पास फैंस, 6 हो गए। और अगर मैं इसमें और ऐड कर दूं 1, तो वो भी पूरा गिना जाएगा, उसका ये नहीं है कि वो उसका हम 1/3 कर देंगे, 60/3 कर देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो वो पूरा ही गिना जाएगा। अगर मैंने एक और लगा दिया इसका फिर 1 बन जाएगा। तो ये थोड़ी ट्रिक्स हैं, अगर आपके घर पर 6 फैंस लगे हुए हैं तो अगर आप 7वां यूज़ करते हैं तो 7 की बजाय 2 और लगा दो, आपका लोड नहीं बढ़ने वाला। आप बिल्कुल ही परेशान मत होइए अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपके जो पूरे घर की लोड की कैलकुलेशन है वो आप हमारे से भी कैलकुलेट करवा सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर्स मैं दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर सर्विस भी ले सकते हैं अगर आपको अपना लोड घर का कैलकुलेट करवाना है। लेकिन मैंने एक ऑफिशियल जो कैलकुलेटर है, ऑफिशियल PESPCL का कैलकुलेटर, उसका लिंक भी डाल दिया है, वहाँ पर जाकर लोड डालिए, वहाँ पर जाकर भी कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर देना, क्योंकि आप कमेंट करोगे मैं कोई नई वीडियो डालूंगा उसका फिर आपको नहीं पता चलेगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। अभी बात करते हैं वॉल सॉकेट की, एक्चुअल लेंगे या 60 वाट एंड 1/4 टू बी काउंटेड, हमको सिर्फ 1/4 ही काउंट करने हैं। अगर 4 सॉकेट्स लगी हैं उसको सिर्फ एक ही मानोगे। अब मुझे लगता है आपको समझ आने लग गया होगा, क्योंकि हमारे 2 क्लियर हो चुके हैं, लाइट पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, फैन पॉइंट क्लियर हो चुका है, अभी हम वॉल सॉकेट की बात कर रहे हैं। तो उसमें 4 सॉकेट्स लगी हैं उसको सिर्फ एक ही मानेंगे। जैसे हमारे पास 4 सॉकेट्स लगे हैं, मान लीजिए एक कमरे में, पूरे घर में 4 लगी हैं एंड वहाँ पर 60-60 वाट के लोड कनेक्टेड हैं, चलो 60 वाट छोड़ो, हम 10-10 वाट के मानते हैं, ठीक है, कोई छोटे चार्जर्स कनेक्ट हैं, मोबाइल चार्जर 10-10 वाट के लगे हैं, तो उन चारों को हम एक मानेंगे, तो लोड कितना बन गया 10 वाट का। इसमें भी वही ट्रिक लगेगी। इसमें क्या ट्रिक लगेगी, अगर आप 4 में से 4 तो लगे हुए हैं, एक और ऐड कर देते हैं और यहाँ पर भी 10 वाट का लोड कनेक्टेड है, लोड कितना बन गया, लोड बन गया हमारा 20 वाट, क्योंकि इसको हम पूरे को काउंट करेंगे। इसमें हम ये नहीं है कि इसको 1/4 1/4 काउंट कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो अगर आप नया घर बनवा रहे हो, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है,
पांच सॉकेट के बजाय 8 सॉकेट लगाओ, 5 मत लगाओ, 6 मत लगाओ, भाई 8 लगाओ सीधा। तो मुझे उम्मीद है आपको वॉल सॉकेट का भी समझ आ गया होगा। अगर वॉल सॉकेट पर भी 10-10 वॉट का कनेक्टेड है जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, तो वो सिर्फ 10 वॉट ही कैलकुलेट किया जाएगा, ये नहीं है उन चारों का आपका 40 वॉट बन जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोड कम करने की बजाय, क्योंकि जो हमारा लोड होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा बिल भी आता है, कुछ हमारे फिक्स्ड चार्जेस होते हैं वो हमारे जो हमारा फिक्स्ड लोड होता है उसके अकॉर्डिंग ही आते हैं। तो लोड कैलकुलेट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि कई बार हम, जैसे मैं आपको बता रहा था, कई बार हम क्या करते हैं वॉल सॉकेट्स को कम कर देते हैं ताकि हमारा जो लोड है वो कम रहे। ये ट्रिक को मत भूलना, इस पर ज़रूर ध्यान देना। कोई खुद की तरफ से नहीं बता रहा हूँ, PSPCL की तरफ से जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें ये बताया गया है कि आपको 1/4 ही काउंट करने हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वॉल सॉकेट का भी समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लो सब्सक्राइब, के लिए इतनी लंबी इतनी मेहनत वाली वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ट्रिक्स बता रहा हूँ। आगे बात कर रहे हैं पावर सॉकेट की। पावर सॉकेट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोड कैलकुलेशन में, क्योंकि पावर सॉकेट ही हमारे लोड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। यहाँ पर लिखा है कि 1/4 टू बी काउंटेड, 4 सॉकेट्स लगे हैं, उन चारों का एक ही कैलकुलेट होगा। मेरे भाई हम क्या करते हैं, कई बार लोड कम करने के लिए सॉकेट्स ही कम लगा देते हैं कि भाई पावर सॉकेट्स कम कर दो। एक लगा रहे हो वो भी उतना काउंट होगी, 4 लगा रहे हो वो भी उतना काउंट होगी, क्यों ऐसे काम कर रहे हो? हाँ इसमें अब आपको बता दूँ, इसमें एसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एसी अलग आ जाता है भाई। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जो पावर सॉकेट्स होते हैं वहाँ पर एसी भी लगाया होता है हमने, एसी को छोड़ दो, यहाँ पर पावर सॉकेट की बात कर रहे हैं। सिंगल फेज एक्चुअल लेना है या 1000 वॉट लेना है, उसका जो वॉट होता है, वॉटेज होती है 1/4 टू बी काउंटेड। समझ आ गई आपको बात? जैसे हमने वॉल सॉकेट्स की बात की ना, सेम पावर सॉकेट का भी है फंडा। तो पावर सॉकेट में क्या है, 4 सॉकेट्स लगी हैं, उसको एक ही मानेंगे। अगर चारों सॉकेट्स पर 500-500 वॉट का लोड आपने लगा दिया, सभी पर लोड कितना बना आपका, सिर्फ 500 वॉट। और वही आपने एक और यहाँ पर सॉकेट लगा दी, फिर क्या होगा, आपका लोड बन जाएगा 1 किलोवाट। ठीक है, इसको हम पूरे को काउंट करेंगे। ये जो एक और लगा रहे हो, इसकी बजाय 3 और लगा लो। हमको इसकी कई बार ज़रूरत नहीं होती, मतलब 5वीं सॉकेट की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्यों लगाएं भाई, 4 पर ही रहो ना। 4 पर रहोगे, 1/4 कैलकुलेट हो रहा है, 4 सॉकेट्स का एक ही तो लेना है। मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर मान लो मेरी एक सॉकेट पर 500 वाट लगा है, एक पर लगा है 500 वाट, दूसरी पर लगा है 1000, तीसरी पर लगा है 1500, चौथी पर लगा है 2000, तो फिर हमने क्या करना है, इन चारों को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, फिर हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो ये नहीं है यहाँ पर हम 500 को भी मान लेंगे। बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट वीडियो में ये है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, बार बार बोल रहा हूँ यार, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, बढ़ा दो इसको, बस पूरा बूस्ट कर दो सब्सक्राइबर्स को, वीडियो को जरूर लाइक कर दो, शेयर भी करना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एसी की। एसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लोड कैलकुलेशन में, क्योंकि एक एसी, दो एसी सीधा 250 किलोवाट का लोड बनाते हैं। तो अभी जो लोग लगा कर बैठे हैं ना, दो दो एसी और लोड उनका सिर्फ 2-2 किलोवाट का है, वो भाई टिक जाओ, स्मार्ट मीटर लगने वाले हैं, सबकी पोल खुल जाएगी, अब स्मार्ट मीटर्स में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं एयर कंडीशनर की। एक्चुअल वॉट लेंगे या फिर 2500 वॉट। एसी का जो वॉट होता है वो आप कहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर वो स्टार्स बने होते हैं ना, स्टार रेटिंग दी हुई होती है, वहाँ पर हमें लोड भी बताया गया होता है कि ये जो एसी है वो कितने लोड पर चलता है, 2500 वॉट। वैसे तो जो इन्वर्टर्स वाले होते हैं वो थोड़े कम पर चलते हैं, एंड विदाउट इन्वर्टर थोड़ी उनका ज़्यादा वोल्टेज होती है, एंड टन पर भी डिपेंड करता है कितने टन का है। तो 2500 वॉट ले सकते हैं या फिर एक्चुअल वॉट लीजिए, वो बेटर रहेगा अगर आपका नया एसी है, क्योंकि नए एसी में 2500 वॉट पर जाता भी नहीं है। अभी एसी में क्या होगा, हाफ टू बी काउंटेड, सिर्फ हमें आधे ही कैलकुलेट करने हैं। अभी यहाँ पर बहुत बड़ी ट्रिक है गाइस, मतलब वही जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वही चीज़ है। कई बार लोग क्या करते हैं, उनके घर में एक एसी लगा होता है और वो दूसरा इसलिए नहीं लगवाते कि उनका लोड बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे भाई
दूसरा लगवाने से कोई दिक्कत ही नहीं है, लोड आपका सेम रहने वाला है। क्यों घबराते हो यार, दो इसी को सिर्फ हम एक ही मानेंगे। अगर एक लगा है, यूजली घरों में एक लगा होता है यार, कईयों में दो भी लगे होते हैं, कईयों में चार भी लगे होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपके घर में एक लगा है और सोच रहे हो कि भाई दूसरा लगवाऊंगा तो लोड बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लगवाओ। दो को हम एक ही काउंट करेंगे, एक को भी एक ही काउंट करेंगे। ये नहीं है कि अगर एक एसी लगा उसको हम उसके लोड को हम आधा मान लेंगे, ऐसा नहीं करना। पहले भी बता चुका हूँ पिछले जो पॉइंट्स थे, पिछली कैटेगरीज थे, एंड इसमें भी वही बता रहा हूँ कि यहाँ पर भी हम जो दो एसी है उसको सिर्फ एक ही मानेंगे। अगर 2500 वाट के घर पर दो एसी लगे हैं तो उसको सिर्फ एक ही मानेंगे। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा एसी का भी। तो यही कैटेगरीज हैं, जो गीज़र, माइक्रोवेव और कुछ लगा आपके घर पर वो सब कुछ पावर सॉकेट में आ जाता है। पावर जहाँ फिर पावर सॉकेट में लगाए हो तो उसका एक्चुअल कैलकुलेट कर लेते हैं। जो माइक्रोवेव जो भी सब कुछ होता है उसको हम 1/4 ही कैलकुलेट करेंगे, मतलब अगर चार माइक्रोवेव लगे हैं पावर सॉकेट पर तो उसको चारों का एक ही मानेंगे, तो वो सब कुछ पावर सॉकेट में आ जाएगा। एसी का ही सिर्फ अलग कैटेगरी है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है इस पर। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, वीडियो भी बाकी है। अभी मैं आपको उसको कैलकुलेटर का बताने वाला हूँ कि आपको कैलकुलेटर पर कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे आप बिल्कुल सीधा वैल्यूज आरकल कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी हम चलते हैं कि हम कैलकुलेटर पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये है गाइस PSPCL का ऑफिशियल कैलकुलेटर, एंड यहाँ पर सबसे पहले तो हम कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे जो कि है हमारी डोमेस्टिक सप्लाई, घर के लिए डोमेस्टिक सप्लाई होती है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि वही 5 कैटेगरीज आपको मिलेंगी, लाइट पॉइंट, फैन पॉइंट एंड वॉल सॉकेट, पावर सॉकेट, एयर कंडीशनर। एक जो मोटिव लोड है वो भी यहाँ पर दिया गया है। मोटिव लोड मैं आपको बता दूँ, जो हमारी समर्सिबल मोटर होती है वो भी दी गई है। तो हम अभी हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं हमारे घर पर एक ही लाइट पॉइंट लगा हुआ है, मान ली चल दो मान लेते हैं, पंखे लगे हुए हैं 3, वॉल सॉकेट लगे हुए हैं 4, पावर सॉकेट लगे हुए हैं 4, एयर कंडीशनर लगा हुआ है कितने वाट का, 2500 वाट का, और मोटिव लोड 1 BHP का मान लेते हैं, क्वांटिटी भी एक ले लेते हैं। तो अभी यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलती है जो कि है एड रो। तो अभी इसका क्या यूज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके घर पर अलग अलग वाट के बल्ब्स लगे हुए हैं, अलग अलग वाट की वैसे लगे होते हैं, कोई 10 वाट का हो गया, 20 का हो गया, 25 का हो गया, ठीक है। तो जो 40 वाट के कितने लगे हैं वो हमने ऊपर डाल दिया, यहाँ पर आगे हमने डाल दिया कि 10 वाट के या 9 वाट के लगा हुआ है कितने लगे हैं, 3 लगे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम पंखे का भी डाल देंगे, 60 वाट के कितने पंखे हैं। अगर 60 वाट के अलग का भी कोई है, कोई मान लेते 70 वाट का या 50 वाट का, तो उसको हम एड रो कर डाल देंगे। वॉल सॉकेट का भी सेम ही है, अलग अलग लोड ही लगा होता है वॉल सॉकेट्स पर। अगर आपने कोई आयरन लगाई है, प्रेस लगाई है, कपड़े प्रेस करने वाली मतलब आयरन, एंड कोई कुछ और लगाया है, लैपटॉप चार्जर वो लगाया है, तो उसका कुछ और लोड होगा, तो आप एड रो कर वो सब कुछ कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अभी जैसे हमने ये सब कुछ डाल दिया, उसके बाद हमने सिर्फ कैलकुलेट वाले बटन को दबाना है। जब हम कैलकुलेट वाले बटन को दबा देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा लोड है वो आ चुका है 4 kW। तो इस तरीके से हम लोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको जैसे और बताता हूँ, जैसे मैंने आपको एयर कंडीशनर का बताया था, तो मान लेते हैं कि हमारे घर पर 2 एयर कंडीशनर लगे हैं 2500 वाट के। तो यहाँ पर मैं एड रो करूँगा और यहाँ पर मैं डाल दूंगा 2500 वाट। तो अभी लोड कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि हमारा लोड इंक्रीज होता है या फिर नहीं होता। तो जैसे मैंने कैलकुलेट दबाया तो आप देखेंगे कि लोड बिल्कुल सेम है। तो यही मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा था कि ऑफिशियल आप देख सकते हैं, वेबसाइट है, तो अगर 2 एसी लगे हैं लोड सेम ही रहेगा। यही नहीं है आपका लोड थोड़ा बढ़ गया, एक एसी और लगवा लिया आपने, आपको लोड बढ़वाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उतना ही रहेगा सेम। जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ लाइट पॉइंट, फैन पॉइंट, वॉल सॉकेट, पावर सॉकेट का, उसका भी सेम ही रहेगा। एंड मोटिव लोड है उसका, यस उसका एक एक अलग अलग कैलकुलेट रहेगा ही रहेगा उसका। तो मुझे उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत ही गैस मेहनत लगी है यार इस वीडियो को बनाने में। तो अगर इस वीडियो से आपका थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ होगा, डेफिनेटली कह रहा हूँ फ़ायदा हुआ ही होगा यार, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना, एंड आगे अपने जो फ्रेंड्स, रिलेटिव, दोस्त सभी के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता लग सके, क्योंकि आने वाले टाइम में जो मीटर सबकी चेंज होने वाले ही हैं,
तो फिर आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। या फिर अगर आप नया घर बनवा रहे हैं उसमें नया एनर्जी मीटर लगवा रहे हैं, वहाँ पर आप कैसे सही तरीके से सॉकेट्स वगैरह लगवाएं, कैसे सही तरीके से फ़ैन सभी चीज़ें लगवाएं ताकि आपका जो लोड है वो सही रहे, मतलब चीज़ें ज़्यादा हों लोड कम रहे, ये सीधी बात आपको मैं बोलना चाहता हूँ। बाकी अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वगैरह बाई करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफ़ी कम प्राइजेस में आपको वहाँ पर जो सारे कंपोनेंट वगैरह मिलेंगे, एक टूल्स वगैरह मिल जाएंगे। हेरिकल 10 कूपन कोड यूज़ कीजिए, इंस्टेंट 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड मैं आने वाले दिनों में एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ कि हमारा जो पूरा बिल है उसमें कौन कौन से चार्जेस होते हैं, वो भी गाइस पूरी एक एक्सक्लूसिव वीडियो होने वाली है। यूट्यूब पर आपको वैसा कंटेंट नहीं मिलेगा, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। पूरी उसकी मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी भी उसकी मेरे पास पूरी रिपोर्ट तैयार है, जो भी उसमें कैसे जो चार्जेस वगैरह सब कुछ कैसे कैलकुलेट होता है, तो ये मैं आपको सब कुछ बताऊंगा अगली वीडियो में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और आगे ज़रूर शेयर कर देना इस वीडियो को। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।